जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं को मोदी जी कब लेकर आएंगे? क्योंकि हिंदू दोगला होता है, तो हमारे दो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस जैद रशीद चैनल। सो गाइस फाइनली बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे को मेरी प्रीवियस वीडियो पे कि भाई बांग्लादेश पे वीडियो बना ये वो, और भक्त ने तो बहुत परेशान करके रखा था कमेंट पे। तो भक्तों तुम्हारे लिए बांग्लादेश के ऊपर वीडियो लाया हूं, तो चलो पहले उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि दिल्ली के दीपक की ऐसी फजीती हुई है, और वो भी कौन किया है फजीती? मोहित शर्मा ने। तो गाइस चलो पहले उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं क्या हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं मेरे चैनल की, क्योंकि मेरे चैनल पे अनुभव, गोदी मीडिया, देसी हिप हॉप और भी कई तरीके के रिएक्शंस वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप हंसोगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग अपनी भड़ास ओपिनियन कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं को मोदी जी कब लेकर आएंगे? क्योंकि हिंदू दोगला होता है, तो हमारे 2 करोड़ सनातनी हमें बांग्लादेश में चाहिए। भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग बांग्लादेश के बहाने भारत देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अब क्या आपके पिताजी, आपके पापा क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे? अब क्या आपके पिताजी, आपके पापा क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे? तो दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस दिल्ली की दीपक पर, और इस दिल्ली की दीपक की वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मोहित शर्मा ने इस दिल्ली की दीपक की पूरी तरह से रिलाई कर दी। तो आओ यार वीडियो एंड तक बने रहे, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जब आप अफगानिस्तान से हिंदू ला सकते हो क्या? जब आप अफगानिस्तान से ला सकते हो, सीरिया से ला सकते हो, लीबिया से ला सकते हो, कुवैत से ला सकते हो भारतीयों को बचा के, यूक्रेन से 30,000 हमारे स्टूडेंट ला सकते हो, भाई साहब गलत बोलो तो बताना। तो हमारे 2 करोड़ सनातनी हमें बांग्लादेश में चाहिए। भैया सबसे पहली बात तो ये है कि भारत देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग बांग्लादेश के बहाने भारत देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश के बहाने भारत देश के अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश की आड़ में भारत देश का माहौल खराब किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, इसीलिए आवाज उठा रहे हैं भैया, और इसीलिए हम ये पोस्टर लेके खड़े हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी अब आपको आगे। भैया मेरे साथ रिपीट कर देना, पीछे हो जाओ। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी आपको आगे। बांग्ला भारत देश में एक मोटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के जो लोग हैं वहां पर जो हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और झूठी झूठी जो फेक वीडियो है उन पुरानी वीडियो को निकालकर भारत देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अब क्या आपके पिताजी, आपके पापा क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे? अब क्या आपके पिताजी, आपके पापा क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे? और हिंदू हिंदू केवल मजाक बना रहा है और कह रहा है छोड़ ना बांग्लादेश में हुआ है, क्योंकि हिंदू दोगला होता है। तो बताऊंगा भाई साहब क्या है, हिंदू दोगला होता है। अबे गेंडे दीपक, तुझे जरा से विशर्म बचा हुआ है या नहीं है? क्योंकि तू एक खुद हिंदू होकर हिंदू को दोगला बताता है, कसम से ना तू बहुत नीच और घटिया इंसान है बे। गजब बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए हम इस व्यक्ति को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी हमें आपसे आस है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा अत्याचार उनसे बचाओ, आपके पास वो शक्ति है, हमें आप पे विश्वास है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं को मोदी जी कब लेकर आएंगे? कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा लेंगे, आप भारत देश के हिंदुओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। एक और हमारे देश की मीडिया दिखाती है कि पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं का बुरा हाल, पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं दी जा रही खाने को रोटी। जैसे हमारे यहाँ के हिंदुओं को तो सुबह उठते ही काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे देते हैं कि ले खा जबरदस्ती। तो दोस्तों जैसे कि इस अनुभक्त ने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू खतरे में है, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे अनुभक्तों के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करता हूँ ओपिनियन की, तो गाइस सबसे पहले तो इसको बोलो कि ये वो यूक्रेन वाला जो एडवर्टाइज था, जो सीरिया का जो भी था, उसको सीरियस ना ले, क्योंकि उसको प्रूव कर चुके कि वो झूठ बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं दूसरी, तो भाई
मतलब इन लोग का सेंस ही नहीं है कि यार क्या हो रहा क्या नहीं, मतलब जो मीडिया जो इन लोग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाया जा रहा है इन लोगों के थ्रू, इन लोग उसी को यकीन मानते, जबकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में जितने भी टेम्पल्स है, जितने भी हिंदू के मंदिर है, उसको मुसलमान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि उससे आप लोगों को इंसानियत सीखने मिलेगी ना, तो ये कोई मीडिया आप लोगों को नहीं बताएगा, खाली ये बताएंगे कि किस तरह आप लोग हिंदू मुसलमान करके झगड़ा करो और देश को खराब करो। तो गाइज प्लीज जो भी खबर मिले उसको वेरीफाई करो अच्छी तरीके से कि ये सच है या नहीं है, उसके बाद ही स्टोरी डालो, जो करना है करो, मेरा यही ओपिनियन है। और गाइस अगर आप लोगों के पास दिल्ली के दीपक के ऊपर कुछ भी भड़ास है या कुछ आप लोगों के पास ओपिनियन है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। और जितने भी भक्त ने मुझे मेरे चैनल के वीडियोस पे कमेंट किया था बांग्लादेश बांग्लादेश ले भाई लाल या बांग्लादेश, अब भी अपनी आंख खोल के सही तरीके से कमेंट करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपको अपने चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।